क्या सब है दुकान में क्या? हाँ, पट्टी के बसैठ चौक के समीप गोपाल ज्वेलर्स दुकान के पीछे की दीवार को काट करके लाखों रुपए के ज्वेलरी सामान की चोरी हुई है। बेनीपट्टी थाना में अगर चोरी की बात की जाए तो लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, बावजूद एक भी घटना का उद्भेदन नहीं हो रहा है। बात करें अगर मूर्ति चोरी की या फिर उसी रात ब्लॉक रोड में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की, तो उक्त मामले में भी कोई पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और आज रात बसेठ चौक के समीप गोपाल ज्वेलर्स की दुकान में आप जो देख रहे हैं सामने, वो काट करके दुकान में प्रवेश कर चोरों ने इसकी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और ग्रामीणों ने जब इसकी तहकीकात की पुलिस के साथ, तो जो भी ज्वेलरी के सामान थे वो करहारा घाट के समीप से बरामद किया गया है। हम बात करेंगे दुकानदार से भी कि आखिर उन क्या क्या सामान चोरी हुई है और कितने की क्षति हुई है। फिलहाल आप देखिए चोरी की अन्य दृश्य। काउंटर में का जो भी सामान था, चांदी का आइटम थोड़ा, टीवी भी उठा करके ले गया है, कैमरा सबको तोड़ फाड़ दिया है, हार्ड डिस्क को भी उठा करके ले गया है। कितने की क्षति हुई होगी? वंजाद हम क्या बोले, फिर भी करीबन कितना होगा? तो 3-4 लाख रुपया का होगा। 4-5 लाख रुपया। सब लकड़ी हुआ क्या? सब है दुकान में क्या? हाँ लकड़ी है ना। सोचे में अथी से बोतल से फेंकने खाली किन ले के अभी हरि गोपाल भैया के कि के तो भाई चिंतु नहीं एकदम सही बात है। दू तीन आदमी पूरा ढंग अरे पूरा कहलि देख बस ऐठा छै ने जे मोटरसाइकिल उठेली पीछे पीछे एक चर लग गेल गमछा से हमरो बुझाया कि हम गमछा हाथ में देके चले झाड़े बात छोटका पलेटो जे वर से है तो वही दुकान है। पायल वाला अथी है ओ एस जे छै सब देखू ना चेन वाला हवा जे छै से फेकल छै। हां हां ना गुटका सब या देखै छिए होते छोड़ू ना या देखू ना खाली किनले के बोतल जे गुल्ला है गुल्ला है गुल्ला दे गंगा के छोड़ या खंती लगा के जे मारने के लिए हो सुशील भैया या खंती ये नमस्कार जी, मेरा नाम गायत्री है। तो मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मेरे बेटे ने बताया कि डॉक्टर शारदा जी के बारे में कि जाओ वहाँ दवाई लो, वहाँ से आप ठीक हो जाओगे। और मैं 2-3 महीने से दवाई खा रही हूँ, तो अब बहुत ठीक हूँ जी मैं यहाँ।